हेलो एवरीवन वन टुडेज टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल एट अ चार्ज सिंगल कंडक्टर एंड पोटेंशियल एट अ कंडक्टर इन अ ग्रुप ऑफ चार्ज कंडक्टर एज वी ऑल नो दैट हमें पता है कि अगर ये तीन फेजेस है जैसे कि आर

आर और ग्राउंड के बीच में भी होगा कैपेसिटेंस वाई और ग्राउंड के बीच में भी होगा कैपेसिटेंस, और बी और ग्राउंड बी फेज और ग्राउंड के बीच में भी होगा कैपेसिटेंस। तो ये जो वैल्यू है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस अगर कैलकुलेट करना है देन वी हैव टू नो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज विदाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी कैनोट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सी दैट इज़ कैपेसिटेंस c is nothing but it is equals to what charge per unit potential now we will discuss about electric potential the electric potential at a point due to a charge is the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point a b electric potential could denote karte we are denoting this by v विच इज इक्वल्स टू नथिंग बट वर्क डन परूनिट चार्ज और इट इज इट कैन बी रिटर्न यूनिट इज न्यूटन पर कूलम द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द कैपेसिटन्स इन अ सर्किट जैसे कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर हमें कैपेसिटंस निकालना है ट्रांसमिशन लाइन में तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें नहीं पता होगा तो हम कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन नहीं निकाल सकते हैं तो इन दिस फिगर वी कैन सी दैट इस फिगर में अगर ये सोर्स चार्ज है वी कंसिडरिंग दिस एट अ सोर्स चार्ज एंड दिस एज अ टेस्ट चार्ज और इमेजनरी चार्ज इज नथिंग बट टेस्ट चार्ज तो सोर्स चार्ज है तो इसके अराउंड में क्या होगा इसके अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या है देयर विल बी अ फोर्स एग्जिस्ट मीन्स अगर सोर्स चार्ज है देयर विल इट विल प्रोड्यूस व्हाट इट विल हैव सम इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स भी होगा दैट कैन बी अ रिपल्सिव फोर्स और एट्रैक्टिव फोर्स तो फिगर वन में इस पर्टिकुलर फिगर में हम लोग देख सकते हैं देयर इज एन एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दिस टू charges, because it is negatively charged and it is positively charged. So, unlike charges attract each other. तो so, electric potential kya hoga Electric potential is particular point mein agar charge होगा, तो electric potential will be less. But, इस particular point में electric potential will be more. मतलब अगर इस direction में हमलोग जाएं, electric potential क्या होगा? Decrease होगा. यहाँ पे ज़्यादा work done करना पड़ेगा यहाँ पे कम वर्क डन करना पड़ेगा सिमिलरली इन द फिगर टू फिगर टू में क्या हो रहा है अब यहाँ पे क्या है दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इज एग्जिस्टिंग बिटवीन दिस सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी लेस इफ पॉइंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज हेयर देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी लेस और इफ इट इज़ हेयर देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी मोर सो so, अगर हम लोग यहाँ से इसकी तरफ जाए मतलब यहाँ से यहाँ की तरफ जाए फ्रॉम आउटर एंड टू इनर एंड तो हम लोग का क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या इंक्रीज हो रहा है बिकॉज जैसे जैसे हम लोग नज़दीक जा रहे हैं तो यहाँ वर्क डन क्या है कम करना पड़ रहा है बट जैसे जैसे हम लोग नज़दीक जाएंगे तो रिपल्सिव फोर्स क्या होगा रिपल्सिव फोर्स इस पर्टिकुलर पॉइंट में बहुत ही ज़्यादा होगा सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मोर मतलब वर्क डन हमें बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा इस पॉजिटिव चार्ज में नाउ द पोटेंशियल एट अ चार्ज सिंगल कंडक्टर कंसिडर अ लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंड्रिकल कंडक्टर ए ऑफ रेडियस आर मीटर लेट द कंडक्टर ऑपरेट एट सच अ पोटेंशियल वी ए दैट द चार्ज क्यू ए कोलम पर मीटर एग्जिस्ट ऑन द कंडक्टर If a uh, desire to find the expression for VA, the electric field intensity at a distance x from the center of the conductor in a air is given by the so electric field intensity mathematically we can express this at E equals to QA by 2 pi x epsilon naught volt per meter. So QA where QA is the charge per meter length and epsilon naught is the permittivity of the free space actually it is e equals to q a upon 2 pi x epsilon epsilon r because here the relative permittivity of air is nothing but 1 so it became this now the potential difference potential difference between the conductor a and infinite neutral plane infinite neutral plane infinite neutral plane is nothing but the point point p where the unit positive charge is existing so as so from this figure we can see that as electric potential will approach to zero as, as x tends to infinity means as we move outward direction from here to here the at some point the electric potential at infinite point will be equal to zero because the electric field strength here will be more than it will goes on reducing in this direction. मतलब ये रिड्यूस होते रहेगा इन दिस डायरेक्शन जैसे जैसे हम लोग इस डायरेक्शन में बढ़ते रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा अराउंड दिस कंडक्टर विल रिड्यूस। तो एक पॉइंट ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा ज़ीरो होगा दैट पॉइंट इज नथिंग बट न्यूट्रल प्लेन तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर ए एंड द इन्फाइनाइट न्यूट्रल प्लेन क्या होगा इट इज़ नथिंग बट वी ए डिटेड बाई वी ए इज इक्वल्स टू आर टू इनफिनिटी क्यू ए बाई टू पाई एक्स एप्सुलट नॉट डी एक्स दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू to the surface of the conductor is given by this, this expression. Now we are going to determine potential at conductor A in a group of charge conductor. To consider a group of long straight conductor AB. सी ई टी सी ऑपरेटिंग एट अ पोटेंशियल सर्च दैट द चार्ज क्यू ए क्यू बी क्यू सी ई टी सी कुलम पर मीटर लेंथ एग्जिस्ट ऑन द रेक्टिव कंडक्टर्स लेट एस फाइन द पोटेंशियल एट ए दैट इज़ वी ए इन दिस अरेंजमेंट तो यहाँ पे क्या है दिस इज ए कंडक्टर बी कंडक्टर सी कंडक्टर दिस इज डी कंडक्टर ई एफ सो कंडक्टर एज़ अ चार्ज क्यू ए पर मीटर दिस हैज क्यू बी पर मीटर दिस हैज़ क्यू सी पर मीटर सिमिलरली क्यू डी पर मीटर एंड दिस दिस हेज़ द चार्ज इन दवरी कंडक्टर्स सो पोटेंशियल पोटेंशियल एट कंडक्टर ए ड्यू टू इट्स ओन चार्ज तो हमने ऑलरेडी अभी अभी निकाला तो उसको कैसे लिखेंगे दिस इज गिवन बाई इंटीग्रल आर टू इन्फिनिटी क्यू ए क्यू ए टू पाई एक्स एप्सल नॉट डी एक्स अब पोटेंशियल एट चार्ज पोटेंशियल एट कंडक्टर ए ड्यू टू चार्ज क्यू बी क्या होगा अब देखो क्यू बी क्या है क्यू बी इज़ दी चार्ज एट कंडक्टर बी क्यू बी इज दी चार्ज एट कंडक्टर बी और कंडक्टर ए कंडक्टर बी कितना दूर है फ्रॉम कंडक्टर ए इट इज डिस्टेंस डी वन डी वन फ्रॉम हेयर टू हेयर सो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू क्यू बी ड्यू टू क्यू बी फ्रॉम इन्फिनिटी टू कंडक्टर ए इज गिवेन बाई यहाँ से यह क्या ये क्या है डी वन है तो डी वन टू इन्फिनिटी क्यू बी बाई टू बाई एक्स एप्सल नॉट डी ऑफ एक्स पोटेंशियल एट कंडक्टर ए ड्यू टू चार्ज क्यू सी अब क्यू सी के लिए भी सेम सिमिलर वे यहाँ पे क्या है डिस्टेंस कितना है ड्यू टू है तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू कंडक्टर ए इज गिवन बाई डी टू बाई दिस अब क्यू सी है यहाँ पे चार्ज क्या है क्यू सी क्यू सी बाई टू पाई एक्स एप्सिलॉन नॉट डी ऑफ एक्स सिमिलरली फॉर दिस सिमिलरली फॉर दिस यहाँ पे क्या होगा डी फाइव होगा सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा डी फोर होगा यहाँ पे क्या होगा डी थ्री होगा dc to infinity now the overall potential difference between the conductor a and infinite neutral plane kya now we will do what we will add this plus this plus this and this will go on this is nothing but equation number 3 similarly we can calculate from these this this also so we we have to just we have to add this this plus this. So overall potential uh, between conductor and infinite neutral plane is given by uh, V of a equals to equation one plus equation two plus equation three, dash 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 so on. So uh, so we have we have just substituting the value of equation one now equation two and equation three, dash 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 dash. dash, dash, dash.

यहाँ पे क्या है क्यू ए तो यहाँ पे क्या है क्यू वे तो यहाँ पे कितना होगा इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा क्यू ए बाई टू पाई एक्स एप्सल नॉट कॉमन आएगा और इंटीग्रेशन होगा आर टू इन्फिनिटी डी एक्स बाई एक्स होगा और डी एक्स बाई एक्स क्या होता है इसको अगर करेंगे तो ये होता है लॉग ऑफ एक्स इंटीग्रेशन और लिमिट्स क्या है लिमिट्स है आर टू तो हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा लॉग इन्फिनिटी माइनस लॉग बेस ई आर सिमिलरली हम लोग ने इसको भी सॉल्व किया इसको भी सॉल्व किया तो अब हम लोग क्या है वन बाई टू पाईपल नॉट यहाँ पे आ गया उसके बाद क्या है क्यू वे वन क्यू वे अब देखो ये ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे हम लोग ने क्या किया यहाँ पे ई यह कैसे आया ये लॉग ई आर ये क्या है माइनस था तो इस माइनस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लॉग ई आर माइनस वन इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको फर्दर अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा लॉग ऑफ वन बाई आर तो इन दिस वे वी हैव गॉट दिस सिमिलरली वी हैव ऑप्टेन फॉर दिस सिमिलरली वी हैव ऑप्टेन दिस एंड यहाँ पे क्या है लॉग ई इन्फिनिटी लॉग इन्फिनिटी लॉग इन्फिनिटी कॉमन है तो लॉग इन्फिनिटी कॉमन ले लिया हम लोग ने लॉक बेस ई इन्फिनिटी कॉमन ले लिया तो हम लोग का क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी आया अब हम लोग क्या करेंगे वी आर एज्यूमिंग वर्ड बैलेंस कंडीशन सो क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी इक्व टू जीरो देन वी विल हैव वी एक्व टू क्यू ए प्लस वी विल हैव दिस एक्सप्रेशन और क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी लॉग इन्फिनिटी टर्म्स क्या हो गया जीरो हो गया तो हम लोग का क्या बचा वन बाई टू पाई एप्सल नॉट क्यू ए लॉग ई वन बाई आर प्लस क्यू बी लॉग ई वन बाई डी वन प्लस क्यू सी लॉग ई वन बाई डी टू प्लस अगर मैं क्यू डी के लिए लिखूँ तो क्यू डी के लिए क्या होगा क्यू डी के लिए होगा क्यू डी के लिए क्या होगा क्यू डी के लिए होगा क्यू डी लॉग exponential 1 by d5 because distance between the two, two conductors are what d5 similarly so on for f conductors also hope you have understood thank you so much have a nice day